अच्छा, सूडो क्लासेस जो लास्ट हमने पढ़े थे वो मैं रिवाइज कर देता हूँ। क्या था वो? किसी भी CSS के अंदर किसी टेक्स्ट के ऊपर, किसी पैराग्राफ के ऊपर हमें अगर पहले लेटर पे कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो उसके लिए ये हमारे पास सूडो क्लास मौजूद है, सही है। फर्स्ट लेटर और दूसरा है फर्स्ट लाइन, इसको अप्लाई कैसे करते हैं? ऐसे करके करते हैं। यहाँ पे मेरा सेलेक्टर लगा हुआ होगा, जैसे कि अभी इसने पी डॉट इंट्रो लगाया, लेकिन सिर्फ H1 भी हो सकता है कि जी H1 का फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर को मैं लाल करना चाह रहा हूँ मिसाल के तौर पर, मैं बोलूँगा कि H1 इधर लिखूँगा इतने पे, और यहाँ लिखूँगा फर्स्ट लेटर, और यहाँ लिख दूँगा मैं कलर रेड, तो वो फर्स्ट लेटर लाल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से फर्स्ट लाइन भी है, किसी पैराग्राफ पे लगेगा ऑब्वियसली, ये H1 पे भी लगा सकते हैं फर्स्ट लाइन, लेकिन H1 जो है वो आमतौर पर एक ही लाइन का होता है। तो ये हमारे पास हो गया सूडो, ये दो हो गया। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं मेंशन करना भूल गया था लास्ट टाइम, ये जो सूडो क्लासेस होती है ना, वैसे तो मैंने सबको ही सूडो क्लास बता दिया था, लेकिन इसमें दो अलग अलग किस्म होती है। एक होती है सूडो एलिमेंट, एक होता है सूडो क्लास। अच्छा, सूडो एलिमेंट में और सूडो क्लास में जो डिफरेंस है वो क्या है? वो डिफरेंस ये है कि सूडो क्लास को ना ये सिंगल कॉलन करके लगाते हैं, सही है। अच्छा, वैसे तो अभी आजकल जो नए वाले ब्राउज़र हैं ना, उसमें आप सिंगल करके लगाएं, डबल करके लगाएं, दोनों अप्लाई हो जाता है, लेकिन जो मतलब थियोरेटिकल डिफरेंस है, ऐसे समझने के अतबार से डिफरेंस है, कि ये वाले जो है ना, ये सूडो एलिमेंट्स हैं, और ये जो नीचे होवर था ना, ये वाला, ये सूडो क्लास है, ठीक है। अच्छा, होवर भी मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ, क्या है कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर जब मैं कर्सर लेके जाऊँ माउस का, तो अगर मैं चाहता हूँ कि यार वो कोई ख़ास तरह की CSS उस पर सिर्फ कर्सर ले जाने पे अप्लाई हो, उसके अलावा अप्लाई ना हो, यार ये वाला फ़ैन ज़रा बंद कर दो, ये दोनों बंद कर दो भाई, पीछे वाले चलने दो, डिमर से बंद कर दो, क्या कर रहे हो लाइटों की सेटिंग ना आउट करो, अब आप डिमर से बंद कर दो दोनों, चलो सही, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, चलो सही है बैठ जाओ, शोर कम हो गया, लेकिन फिर भी असल में क्या होता है ना, अगर मेरे सर पे फ़ैन चल रहा ना, तो मेरी आवाज़ यूँ दबा देता है, आप तक मेरी आवाज़ ज़रा शायद अब बेहतर पहुँच रही होगी, तो वेल तो मुझे बहुत फिर वो करना पड़ता है, मुझे लगता है कि सामने वाले तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही ना, मुझे एंजाइटी होती रहती है अंदर अंदर, मुझे लगता है पता नहीं सामने वाला सुन पा रहा है मेरी बात सही या नहीं सुन पा रहा। तो वेल, हाँ यार, मैं क्या जिक्र कर रहा था कि ये होवर क्या करता है कि किसी भी एलिमेंट पर जब मैं अपना कर्सर लेके जाता हूँ, तो अपना कर्सर उस एलिमेंट पर ले जाने पे अगर मैं कोई CSS दिखाना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि किसी हेडिंग के ऊपर जब मैं अपना कर्सर लेके जाऊँ तो उसका कलर ग्रीन हो जाए, या उस पर बॉर्डर नज़र आ जाए, या उस पर शेडो नज़र आ जाए, सिर्फ कर्सर ले जाने तक, तो मैं होवर का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। लगाने का तरीका इसको बिल्कुल उसी तरह, मैं लिखूँगा कि H1 और उसके बाद कॉलन लगा के होवर, और यहाँ जो भी स्टाइल है वो मैं अप्लाई कर दूँगा। अच्छा, तो मैं ये डिफरेंस बता रहा था कि ये वाला क्लास क्यों है और वो वाला एलिमेंट क्यों है, वो वाला सूडो एलिमेंट क्यों और ये वाले को हम सूडो क्लास क्यों कह रहे हैं। सूडो एलिमेंट क्या होता है कि जब पेज आपका लोड होगा ना, तो वो स्टाइलिंग पहले से अप्लाई हुई भी होगी उसमें, और वो चेंज नहीं होगी, जब तक आपका पेज रहेगा वो आपको दिखती रहेगी, दैट्स इट, ठीक है। ऑन अदर एंड क्या होता है, जो सूडो क्लास है हमारी ये वाली, इसमें क्या होता है कि जब पेज आपका लोड होता है ना, तो ये उस वक्त विजिबल नहीं होता है, जाहिर है जब होवर जब तक नहीं करेंगे कहाँ से विजिबल होगा। तो ये जब मैं उस पर लेके जाऊँगा ना कर्सर, तो जब वो क्लास अप्लाई होती है, अदरवाइज़ फिर वो खुद से हट भी जाती है, ठीक है। इसी तरह एक्टिव जो है वो एक सर्टेन टाइम के लिए होगा, जब पेज लोड होगा तो उस वक्त एक्टिव लगा हुआ नहीं होगा। तो इस नस्बत से ना इन दोनों का नाम अलग अलग है, ये क्लासिफिकेशन है समझने की हद तक है ये, वैसे तो अप्लाई करने का तरीका दोनों को सेम है, लेकिन आप अगर गूगल पे इसको चेक करेंगे ना, तो एक में डबल कॉलन आ रहा होता है, एक में सिंगल कॉलन आ रहा होता है, लेकिन वो फ़र्क अब रहा नहीं है, वो अब क्या होता है कि दोनों को आप सिंगल कॉलन से अप्लाई करेंगे चलेगा, दोनों को डबल कॉलन से करेंगे वो भी दोनों भी चलेगा, ठीक है। तो सिंगल डबल का फ़र्क अब ख़त्म हो चुका है, यानी लेटेस्ट ब्राउज़र के अंदर। अच्छा भाई, अब हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर को ज़रा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। हाँ हाँ जी, साल सही है। तो क्या ये होवर वहाँ पर फील हो रहा है या ये उसी टाइप का कोई फंक्शन है?
यार होवर से इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है, लोकेशन का। लोकेशन का होवर से क्या ताल्लुक? मैं सवाल सही समझाऊँ आपका? नहीं नहीं मैं आपको, अगर तो मैं आपका सवाल सही समझाऊं, मुझे बताइएगा कि अगर मैं सही। देखें होवर जो है ना वो स्टाइलिंग से मुताल्लिक है, होवर का स्टाइलिंग के अलावा और कोई काम नहीं है। होवर का स्टाइलिंग, अच्छा मोबाइल की टच स्क्रीन जो है उसमें होवर होता ही नहीं, क्योंकि आपको पता है मोबाइल फ़ोन में भी अगर आप, वाईम सलाम, मोबाइल फ़ोन में भी ना अगर आप USB से माउस लगा लें तो वो डिटेक्ट हो जाता है, और जिस तरह लैपटॉप में आप माउस लगाते हैं ना या कंप्यूटर में माउस लगाते हैं तो कर्सर शो हो जाता है ना, इसी तरीके से एंड्रॉयड की अगर एंड्रॉयड फ़ोन है या एंड्रॉयड टैबलेट है, जो भी आपके पास फ़ोन मौजूद है उसमें अगर आप USB से लगा देंगे ना माउस, तो माउस उसमें डिटेक्ट हो जाएगा, फिर उसमें होवर चलने लग जाएगा, क्योंकि कर्सर लेके जाएंगे तो चलेगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि यार वो तो मोबाइल में लगेगा कैसे माउस, माउस तो टाइप ए होता है, माउस की तो बड़ी वाली USB होती है ना, जिसको हम कहते हैं टाइप ए USB। सही है, ये वाला होता है ना माउस में, तो बड़े बड़े मुंह वाला, ये आप देखें ना सारी टाइप्स आ रही हैं, ये टाइप ए कहलाता है जो सबसे बड़े साइज़ का होता है USB। अच्छा आपके फ़ोन में ज़्यादातर या तो टाइप सी होता है या तो जो होता है माइक्रो USB होता है ये वाला। सही है, ये सारे अलग अलग टाइप्स हैं, और पुराने ज़माने के प्रिंटर वगैरह होते थे उसमें ये वाला होता था टाइप बी। ये सारा जो इंटरफेस है ना USB का, ये एक्चुअल में एक ही है, तो इसके डोंगल्स आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास है माइक्रो USB तो आप बोलोगे कि माइक्रो USB 2 टाइप ए डोंगल। ये देखो ये आ गया, तो ये टाइप सी, ये माइक्रो USB आपके फ़ोन में लगेगा, और यहाँ पे आप कोई सा भी लगा दो, तीनों ऑप्शन है। हाँ इस तरह का कनेक्टर होता है, पॉइंट मेरा ये कि इस तरह के कनेक्टर मौजूद हैं, तो वो असल में फ़ोन में छोटा वाला इसलिए देते हैं कि फ़ोन में जगह कम होती है, अदरवाइज़ फ़ोन में भी वो बड़ा वाला दें, कोई मज़ायका नहीं था बड़ा वाला। और कुछ फ़ोनों में देखा भी है मैंने, बड़े वाला अडॉप्टर होता है कुछ, एक फ़ोन था टॉर्च वाला फ़ोन, उस वक्त नए टॉर्च वाले फ़ोन आए थे, तो वो फ़ोन कम टॉर्च ज़्यादा था, वो इतना मोटा फ़ोन था वो, पता नहीं शायद यहाँ पे आ भी जाए। हाँ हाँ और कमांडो भी उसको मिलता है अभी भी, टॉर्च फ़ोन था भाई वो, और बड़ा वो जो ना ख़तरनाक किस्म का था, पता नहीं कमांडो फ़ोन बोलते हैं उसको, कमांडो टॉर्च फोन। हाँ ये इस तरह का था, इसमें ना वो वाला टाइप ए वाला था भाई, इसमें हिसाब किताब, पता नहीं इसका पोर्ट नहीं दिख रहा अभी यहाँ पे। वेल तो वो आप माउस भी लगा सकते हैं अपने फ़ोन के साथ और कीबोर्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर तो आपके पास वायरलेस माउस है तो वायरलेस माउस में फिर आपको कुछ वो लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, वायरलेस तो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, तो अपने फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन करेंगे, ब्लूटूथ कीबोर्ड पर बटन दबाएंगे, पेयर हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस को बहुत ही फैंसी किस्म का ब्लूटूथ कीबोर्ड ना हो, क्योंकि जो अभी नए वाले वायरलेस कीबोर्ड और वायरलेस माउस आ रहे हैं ना उसमें क्या होता है कि जी वो अपने ही USB के साथ कनेक्ट होता है, वो जैसे लॉजिटेक के जो नए वाले हैं ना, जो TK 830 820 वाले, वो अपने USB से ही कनेक्ट होते हैं, वो डायरेक्ट ब्लूटूथ पर शो ही नहीं होते, तो वो मतलब अब ज़रा मामला उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मल चाइनीज़ वेंडर्स हैं ना वो डायरेक्ट ब्लूटूथ पर शो हो जाते हैं, तो वो आप लगाएंगे तो आपके पास कनेक्ट हो जाएगा, जैसे ही कनेक्ट होगा आपके पास वो, आपके पास कर्सर शो हो जाएगा और उस कर्सर पे फिर ये होवर काम करेगा। अच्छा अब जो आपने पूछा था सवाल कि लोकेशन जो गेट करते हैं हम, लोकेशन गेट करने का जो ताल्लुक है वो जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, मैंने बोला भाई गेट लोकेशन ASX, ठीक है, यानी कि जावास्क्रिप्ट। तो ये देखें आप, किसी ने सवाल पूछा हुआ है कि यार हाउ टू गेट सोर्स कोड लोकेशन, नो GPS लोकेशन। ठीक है, ये आप देखें जियो लोकेशन करके API मौजूद है जावास्क्रिप्ट की। तो आप क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट में ये फंक्शन कॉल करते हैं गेट करंट पोजीशन, और उस पर आपको ये सक्सेसफुल रिस्पांस जब मिलता है तो आपको डेटा आ जाता है। ठीक है, वॉच पोजीशन करके कि कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है आपने, जैसे गूगल मैप में जब आप ड्राइव करते हैं ना, ट्रैवल करते हैं तो मूव करता है साथ साथ, तो वो कंटिन्यूस लोकेशन का ये है वॉच पोजीशन। तो आपको कंटिन्यूसली वो जैसे ही लोकेशन ना हर 2-3 सेकंड बाद आपको वो अपडेट देता रहता है। तो ये तो जावास्क्रिप्ट से ताल्लुक है इसका। अच्छा अब सवाल ये है कि मैंने तो ये गेट की कमांड कॉल कर दी अपने कोड से, लेकिन जब क्या होता है जिस फ़ोन पे ये कमांड चलेगी ना अल्टीमेटली, मिसाल के तौर पे ये तो मैं वेबसाइट अगर बना रहा हूँ तो वो गूगल क्रोम पे खुलेगी वेबसाइट, तो गूगल क्रोम पे जब खुलती है वो वेबसाइट और गूगल क्रोम के अंदर जब ये स्क्रिप्ट मेरी चलती है
और जब ये वॉच लोकेशन या गेट करंट पोजीशन ये हिट होता है तो वो वेबसाइट ये बात बताती है गूगल क्रोम को कि भाई मुझे लोकेशन मांगा जा रहा है, इस ये वेबसाइट में लोकेशन की ज़रूरत है। अच्छा, तो गूगल क्रोम क्या करता है, गूगल क्रोम का ना एक अपना मैकेनिज़्म है इसको हैंडल करने का। तो गूगल क्रोम आपके पास जो है ना शो करता है यहाँ पे इस जगह पे ना, यहाँ पे शो करता है कि यार लोकेशन शेयर करनी है कि नहीं करनी। अभी मे भी अगर मैं ये कोड रन करने का, यहाँ पे ऑप्शन होगा ना गेट करंट पोजीशन में जाके ना, मैं अगर इसको यहाँ पे स्निपेट आ रहा होता है रन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ, तो वो छोटा सा साइड पर ना वो आ जाता है, लोकेशन की क्वेरी आ जाती है। अच्छा, अगर मैं उस लोकेशन की क्वेरी को अलाउ कर दूँ तब तो मुझे यहाँ पे लोकेशन मिल जाती है। अगर मैं उसको रिजेक्ट कर दूँ ना लोकेशन की क्वेरी को, तो मुझे यहाँ एरर मिल जाता है, सक्सेसफुल डेटा नहीं मिलता, मुझे एरर मिल जाता है। ठीक है, तो एज अ वेब डेवलपर मुझे वो जो मामलात है ना कि जी वो लोकेशन अलाउ करने का जो विजेट खुलता है और वो कब तक लोकेशन शेयर करना है, ये सारी बातें ना मुझे एज अ डेवलपर जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं करनी होती मुझे ये बातें। मुझे क्या करना होता है कि जो है ना जस्ट ये लोकेशन गेट करनी होती है, ब्राउज़र इन मामलों को खुद हैंडल करता है। अच्छा, फिर अब वो ब्राउज़र किस फ़ोन में इंस्टॉल है, क्योंकि ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन, ब्राउज़र जो वो एक ऐप होती है ना, तो वो ऐप किसी न किसी फ़ोन में किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होगा। तो जब गूगल क्रोम को भी लोकेशन थोड़ी पता है, वो तो सिस्टम से लेके बताएगा ना, सिस्टम से लेके वो लोकेशन बताएगा। अच्छा, वो मानता है ऑपरेटिंग सिस्टम से आगे, पहले तो मेरे से यूज़र से पूछ लिया कि भाई अलाओ, ब्राउज़र के अंदर पूछ लिया अलाओ करना है कि नहीं करना, उसके बाद वो सिस्टम से मांगता है कि लोकेशन दो भाई, बंदा मांग रहा है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये मामलात होते हैं कि जी वो एक विजिट खुल के आ जाती है अलाओ एवरी टाइम और अलाओ दिस टाइम ओनली, और अलग अलग फ़ोन में अलग अलग तरह का होता है। हाँ, अलाओ वाइल यूजिंग ऐप अभी एंड्रॉयड 10 में इन्होंने या 11 में ऐड किया था कि अलाओ वाइल यूजिंग ऐप वाला काम कर दिया। अच्छा, फिर वो नोटिफिकेशन शटर खोल के अगर मैं लोकेशन ही बंद कर दूँ, तो वो लोकेशन असल में फ़ोन की बंद नहीं होती, वो ऐप्स को एक्सेस बंद हो जाता है। अब कोई भी ऐप मांगेगी ना लोकेशन, तो अलाओ करने के बावजूद उसको लोकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोकेशन वहाँ से बंद है। ठीक है, इसी तरह इसमें भी होता है जो लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, क्योंकि लैपटॉप के अंदर भी अब GPS की चिप मौजूद होती है, जो नए वाले जितने भी हैं। पहले वालों में क्या होता था, GPS की चिप नहीं होती, जैसे ये है ना, इनमें GPS की चिप नहीं होती इस वालों में, डेस्कटॉप में, लेकिन नए वाले जितने सब में GPS मौजूद होता है। अच्छा, GPS इसमें नहीं भी होता ना डेस्कटॉप में, उसके बावजूद ये इंटरनेट का जो कनेक्शन है उसकी IP को देख के या मैक एड्रेस को देख के वो एक एस्टिमेट कर ही लेता है, गूगल क्रोम एस्टिमेट करके बता देता है आपको कि यार लोकेशन इसकी क्या है। क्यों, रीज़न उसका ये है कि यहाँ से जो इंटरनेट कनेक्टेड है ना, जाहिर है जभी तो आप लोकेशन मांग रहे हो, तो इंटरनेट जो जहाँ स्विच लगा हुआ है राउटर, इस राउटर के अंदर जो है ना आजकल वो GPS की चिप आ रही है, तो राउटर को पता होता है मेरी लोकेशन क्या है, तो राउटर से मांग लेता है ये, और राउटर सबको बताता है कि यार मेरी लोकेशन क्या है इस वक्त। फिर उसके अलावा अगर इस राउटर में नहीं है ना, तो आगे कहीं ना कहीं DNS होगा जिसके पास ये जा रहा है, तो DNS को अपनी लोकेशन पता होती है, DNS का एक एड्रेस होता है जो उस DNS में फिक्स होता है, तो ये जिस DNS जो भी करीब तरीन होगा ना उससे उठा लेता है लोकेशन। तो यही वजह है कि अक्सर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर में ना, अगर आपका PTCL का इंटरनेट है, तो वो लोकेशन जब गाइड करते हैं तो उर्दू यूनिवर्सिटी बता रहा होता है, क्योंकि उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने इनका कोई है ऑफिस, उसके अंदर इनका कोई DNS लगा हुआ है, तो PTCL के कनेक्शन में ना, और अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर है आपका, लोकेशन गाइड करेंगे उर्दू यूनिवर्सिटी बताएगा अपना यूनिवर्सिटी रोड पे जो। वेल, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये स्टाइलिंग से मुतालिक है और वो प्रोग्रामिंग से मुतालिक है। प्रोग्रामिंग अभी तक हमने शुरू नहीं की, इंशाल्लाह जब शुरू करेंगे तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जी भाई, कौन सा सिंटैक्स एरर? देखो, एरर होता है, कहीं भी आ सकता है एरर, आपकी ज़िंदगी में भी आ सकता है एरर, आपकी बॉडी में भी आ सकता है, आता है ना। देखो, एरर का मतलब ये होता है, हाँ नहीं आता है, बिल्कुल क्यों नहीं आता यार, बंदे की बॉडी एक मशीन है ना, मतलब हमारे सेंस में देखा जाए तो एक मशीन है, इसका इनपुट है, इसका आउटपुट है, एनर्जी कंज्यूम करता है, ऐसी है ना भाई। क्या? हाँ, सिंपल मशीन तो जिप होती है। तो वेल, देखो, एरर का मतलब ये होता है, समझ लो अच्छे से कि एरर किस चीज़ को बोलते हैं। एरर कोई बुरी चीज़ नहीं होती, एरर अच्छी चीज़ होती है। एरर का मतलब होता है कि कोई गलती हो गई, एरर का मतलब गलती है। आप जब कोडिंग करते हैं और कोई ऐसी बात आपने लिख दी जो आपने गलती लिख दी, गलती कर दिया कोई, तो वो सामने से एक मैसेज आता है जिसको हम बोलते हैं एरर मैसेज। वो एरर मैसेज जो है ना, वो आपको बता रहा होता है कि गलती क्या की है आपने,
कैलकुलेटर में एरर का मैसेज ऑन अदर एंड नहीं आता, कैलकुलेटर में सिर्फ एरर लिखा हुआ आ जाता है कि कोई गलती हो गई। मिसाल के तौर पे किसी चीज़ को आप डिवाइड बाई ज़ीरो करें अगर, तो कैलकुलेटर में वो ई लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, मैथमेटिकल एरर। अच्छा, कैलकुलेटर एक बहुत ही छोटा सा वो है, तो उसमें एक ही एरर है जो हर दफ़ा आता है, तो इसलिए वो लिखते नहीं है, बस वो ई बना के दिखा देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में अगर आपने कोई कोड ऐसा लिख दिया जो पॉसिबल नहीं है, या मिसाल जैसे अभी लोकेशन की हम बात कर रहे थे, अब लोकेशन की रिक्वेस्ट मैंने की लेकिन ब्राउज़र में के लेवल पे या ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे बंदे ने डिनाई कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, अलाउ नहीं किया, तो फिर मुझे ज़ाहिर है लोकेशन तो नहीं मिलेगी ना, तो मुझे एक एरर का मैसेज मिलेगा कि भाई कैन नॉट गेट लोकेशन, ठीक है, वो डिनाई कर दिया बंदे ने, या इस तरह की कोई ना कोई बात लिखी भी आएगी मेरे पास, तो एरर का मैसेज होता है, ठीक है। बंदे की बॉडी में भी, बंदे को जो बुखार आता है ना, बुखार वो क्या होता है, वो एरर का मैसेज होता है। बुखार इटसेल्फ कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है, लेकिन जब भी आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको वो बुखार से बताता है कि यार कहीं कुछ मसला है। और बुखार से सबसे पहला काम क्या होता है, आप बिस्तर पे लेट जाते हैं सबसे पहले, तो ठीक है, चलना फिरना आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिलता है आपकी बॉडी को। फिर इसी तरह जब आपकी बॉडी पे जब किसी वायरस का या किसी जर्म्स का अटैक होता है ना, तो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता है, अपना टेम्परेचर बढ़ा के उसको उससे फाइट करता है, ठीक है। आप गूगल करेंगे ना तो 37.5 तक का जो होता है ना बुखार आपका, यानी 102 तक का जो बुखार होता है उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव फीवर, वो कंस्ट्रक्टिव होता है। 102 से जब आगे बढ़ता है ना, 37.5 से, तो सॉरी 39.5 होता है, बहरहाल कंस्ट्रक्टिव फीवर लिखोगे ना, कंस्ट्रक्टिव फीवर 39.5 ही होता है, ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं कि यार ये ना कंस्ट्रक्टिव है, इसमें अभी बॉडी कुछ मतलब कंस्ट्रक्टिव काम कर रही है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है। उसके ऊपर जो चला जाता है ना अगर, तो फिर उसको बोलते हैं कि यार ये डिस्ट्रक्टिव है, फिर उसमें फ़ौरन हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। कंस्ट्रक्टिव फीवर में ये होता है कि आप बेड रेस्ट करें, पानी की पट्टी लगाएं, पैनाडोल लें, ठीक है। और डिस्क्लेमर है कि भाई ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, कि मैं एक नॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ, कभी बुखार आए तो डॉक्टर के पास ही जाना, मेरी बातों में बोले सर तो बोले तो 102 तक गुड है, गुड नहीं है भाई, एक मैं नॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ, जनरल नॉलेज की बात है, ठीक है, कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है आपके लिए। अच्छा, तो एरर का मैसेज बताता है बॉडी के भाई मेरे साथ कुछ हो रहा है, मेरे को लेके जाओ, कुछ करो मेरे साथ, कोई टेस्ट, ठीक है। और हॉस्पिटल में भी क्या करते हैं, वो बुखार की कोई दवा थोड़ी देते हैं आपको, बुखार की कोई दवा नहीं होती, पैनाडोल वगैरह जो देते हैं वो तो पेन किलर होता है, ठीक है, या एस्प्रिन होता है जो वो खून को ज़रा पतला कर देता है, खून रवा हो जाता है, कहीं ब्लॉकेज होता है वो क्लियर हो जाता है, दैट्स इट। बुखार की कोई दवा नहीं होती। जब बुखार लेके आप जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में अच्छी जगह पे अगर, तो वो आपको पहले बोलता है कि यार आप पैनाडोल वगैरह लें, पेन किलर रिलैक्स करें आप, क्योंकि पेन किलर क्या करता है, पेन पे मास्किंग कर देता है, पेन हो रहा होता है आपको लेकिन फील नहीं होता, वो नर्व्स आपकी बंद कर देता है जो पेन फील कराती है, तो उसको कहते हैं मास्किंग। तो वो करने के बाद आपका वो टेस्ट करता है, कहता है कि यार 6 घंटे में 8 घंटे में अगर ठीक हो जाए फीवर तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फला फला टेस्ट करवा लेना जाके आप। जो तुक्का मारता है पहले कि अच्छा यार सर में दर्द है तो शायद ये वाला मसला हो, अच्छा अगर सिर्फ एक हाथ में दर्द है या उल्टे हाथ में दर्द है तो आप दिल का कोई पट्टी वट्टी निकाल लो, कोई इस तरह का टेस्ट करा लो, उस टेस्ट में कुछ नहीं आता फिर दूसरा टेस्ट कराता है, फिर तीसरा टेस्ट कराता है। मेडिकल साइंस तो ऐसे ही चलती है भाई, एक टेस्ट के रिजल्ट पे वो डिसीजन लेता है फिर दूसरा टेस्ट करवाता है, अल्टीमेटली या तो वो बीमारी पकड़ में आ जाती है किसी ना किसी टेस्ट में, और या तो अगर वो बीमारी पकड़ में नहीं आती तो बोलता है भाई जाओ अल्लाह अल्लाह करो अब दिन पूरे हो गए आपके। अच्छा वेल, तो हम जी अगला टॉपिक हम देख लेते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर का। एट्रीब्यूट सेलेक्टर में क्या होता है जी, हम पहले कुछ सेलेक्टर्स पढ़ चुके हैं जिसमें हमने क्या पढ़ा था, एलिमेंट सेलेक्टर, एलिमेंट का नाम जिसमें हम लिखते थे, हमने क्लास सेलेक्टर पढ़ा था, नहीं क्लास सेलेक्टर तो अभी इसमें आएगा इंशाल्लाह, हमने आईडी सेलेक्टर पढ़ा था। अच्छा, क्लास सेलेक्टर भी तो पढ़ा था ना, डॉट करके जो लगा रहे थे, हाँ डॉट करके, वो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो इस तरह हमने 5-6 के करीब सेलेक्टर्स पढ़ लिए थे जो बेसिक थे। अच्छा, उन 5-6 सेलेक्टर से आपके मोस्टली जो 99% काम है ना वो हो जाएंगे सारे, लेकिन ये ज़रा ना एट्रीब्यूट सेलेक्टर मज़ीद पिन पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, क्या कह रहा है जी, एग्जिस्टेंस। अब ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर जैसे कि नाम से ही जाहिर है ना, ये सिर्फ एट्रीब्यूट के ऊपर काम करता है, ये सिर्फ एट्रीब्यूट से इसका ताल्लुक है सारा का सारा। सबसे पहले एग्जिस्टेंस सेलेक्टर, ये क्या करता है, ये करता है मैचेस अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट वट एवर इट्स वैल्यू इज। मिसाल के तौर पे आप क्या बोलते हो, पैराग्राफ के ऊपर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो और आप बोलते हो कि क्लास नाम का एट्रीब्यूट आया कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है, एग्जिस्टेंस सेलेक्टर। अच्छा, ये कब चलेगा,
ये उन पैराग्राफ के एलिमेंट्स को टारगेट करेगा जिसके ऊपर क्लास नाम का एट्रीब्यूट लगा हुआ है। क्लास की वैल्यू क्या है वो अभी बात नहीं हो रही, क्लास के नाम का एक एट्रीब्यूट लगा हुआ होना चाहिए। इसको ज़रा जल्दी से हम एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेते हैं। और ये कौन सा वाला खुला हुआ है, इसको ज़रा पुश कर देता हूं। और आपका वाला यहाँ से हम खोल लेते हैं सेक्शन बी। ठीक है जी, एट्रीब्यूट सेलेक्टर राइट। सही है, मैंने एक नई फाइल बना ली है, नया फोल्डर बना लिया है जिसका नाम मैंने रखा है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। उसमें एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम की एक फाइल है, और इस फाइल के अंदर अभी हम क्या करने लगे हैं, दो पैराग्राफ बना लेते हैं। सही है, पैराग्राफ नंबर वन और दूसरा पैराग्राफ नंबर टू। ठीक है, दो इसमें पैराग्राफ इस वक्त बने हुए हैं। अच्छा, और यहाँ पे आके मैं एक के ऊपर क्लास इक्वल्स टू समथिंग, कोई भी क्लास इसमें मैंने लिखी है, और यहाँ पे आके अब मैं स्टाइल का टैग लगाऊंगा। मैंने कहा कि पैराग्राफ का कलर कर दो रेड, तो इस ऐसा करने से क्या होगा, दोनों पैराग्राफ का जो कलर है वो रेड हो जाएगा राइट। ठीक है जी, दोनों पैराग्राफ का कलर जो है ना वो रेड हो गया। लेकिन अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं एग्जिस्टेंस सेलेक्टर लगाना चाह रहा हूँ इस पर, कि ऐसा पैराग्राफ जिसके ऊपर क्लास नाम का कोई एट्रीब्यूट मौजूद हो, सिर्फ उस पर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं बोलूँगा ऐसे करके बोलूँगा, सही है, कि पैराग्राफ क्लास। तो अब ये सिर्फ इस वाले पर अप्लाई होगा क्योंकि इस पर क्लास नाम का एक एट्रीब्यूट मौजूद है। ठीक है, एक पे अप्लाई हुआ, दूसरे पे नहीं हुआ। अच्छा, मिसाल के तौर पे इस पे क्या है, एक और भी एट्रीब्यूट है आईडी के नाम से। ठीक है, आईडी एबीसी, आईडी की वैल्यू अभी मैटर नहीं कर रही। तो अब मैंने अगर क्या करना है, आईडी के जरिए उसको टारगेट करना है ना, इसके जरिए कि भाई आईडी का एट्रीब्यूट मौजूद हो, बस उस एलिमेंट पे आईडी का एट्रीब्यूट मौजूद होना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या है ये मैटर नहीं कर रही है अभी। तो ऐसा लिखने से भी किस पे अप्लाई हो जाएगा, ये इस वाले पे अप्लाई हो जाएगा ये, क्योंकि इस पे आईडी के नाम से एक एट्रीब्यूट मौजूद है। ठीक है, रिफ्रेश किया, इस पे अप्लाई हुआ भाई। अच्छा, इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे आके ना कोई ऐसा एट्रीब्यूट लगा देता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता एचटीएमएल में। एचटीएमएल के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट पड़े ना, आईडी, क्लास, ये सारे एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। मैं कोई ऐसा एट्रीब्यूट लगा देता हूँ जो एचटीएमएल में है भी नहीं। मैंने कहा कि यार ए एस एफ इक्वल्स टू फोर्स। ठीक है, ये मैंने एक एट्रीब्यूट दे दिया, उसकी एक वैल्यू। ए एस एफ के नाम से कोई इस वक्त मौजूद नहीं है एच टी एम एल के अंदर, एट्रीब्यूट नहीं होता कोई। अच्छा, अब मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा पैराग्राफ पैराग्राफ के अंदर ए एस एफ के नाम का एट्रीब्यूट लगा हुआ हो, तो उसको क्या कर दिया जाए, कलर उसका ग्रीन कर दें। ठीक है, तो इसको कर देना चाहिए, सही, ग्रीन कर दिया उसने। तो इट डजेंट मैटर कि उसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, जस्ट उसके नाम को ये पकड़ रहा है। ठीक है, अगेन ये वाले जो सेलेक्टर्स हैं ये कम इस्तेमाल होंगे, बहुत कम जगहों पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा पिन पॉइंट करना पड़ जाए, फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वहाँ पर कोई भी सेलेक्टर और नहीं लगा सकते आप, या कोई ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ही एक के अंदर एक, एक के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा नेस्टेड है, डेप्थ में है बहुत, तो वहाँ पर जाके ये इस्तेमाल होगा। अगेन ये जो क्लास है ये आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है उन तमाम टूल्स से जो कि मौजूद हैं। अब ये टूल कब इस्तेमाल होगा, कहाँ इस्तेमाल होगा, ज़रूरी नहीं है कि इस्तेमाल कर ही लें आप इसको, ज़रूरी नहीं है कि आपको इस टूल की ज़रूरत पड़ी जाए। बहुत सारे टूल्स ऐसे भी होते हैं कारपेंटर के बॉक्स में भी, कारपेंटर की जो मिसाल दी थी मैंने आपको, कारपेंटर के बॉक्स में बहुत सारे टूल ऐसे तो पैक पड़े हुए होते हैं, खुलते ही नहीं है वो 6 महीने में साल में एक दफ़ा उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वन ऑफ दोज टूल्स है ये। अच्छा, इक्वालिटी ऑपरेटर,
अब यहाँ पे मैंने बोला कि यार ऐसा पैराग्राफ टारगेट करना है जिस पे क्लास का एट्रीब्यूट भी हो और उसकी वैल्यू डॉग ही हो, कोई और ना हो उसकी। आ जाते हैं अब यहाँ पे, हम एक पैराग्राफ ये मैंने बनाया क्लास, एक में मैंने क्लास लिखा हुआ है समथिंग, एक में मैंने क्लास लिखा हुआ है फोर्स। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे आके क्या बोलूँगा, मैंने वो बोलूँगा पी और क्लास इक्वल्स टू फोर्स, जिस पे क्लास है और उसकी वैल्यू फोर्स है उस पे अप्लाई करो ये, और उस पे क्या कर दो, बॉर्डर बना दो। ठीक है, बॉर्डर बना दो उसके ऊपर, तो यहाँ पे बॉर्डर बन गया। ठीक है, क्यों आ गया, क्योंकि क्लास इक्वल्स टू फोर्स मैंने लगाया था क्राइटेरिया और उसके ऊपर ये मैच कर गया। अच्छा, अगर इसका मैं फोर्स का ई हटा दूँ, अगर अब क्या इस पर ये मैच करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन स्टिल ये सी एस एस यहाँ मौजूद है, जब भी कभी कोई ऐसा एलिमेंट आएगा तो उस पर ये मैच कर जाएगा। अगर कोई एलिमेंट मैच नहीं करता तो कोई मसला नहीं है, पड़ा रहेगा ऐसे ही, किसी पे अप्लाई नहीं होगा। जो मैंने क्राइटेरिया दिया है वो किसी पे भी अप्लाई नहीं हो रहा, किसी से भी हिट नहीं हो रहा, लेकिन ये कोई मसला नहीं है अगर ये यहाँ रखा भी रहे। ज़रूरी नहीं है कि आपने सी एस एस लिखा है वो एच टी एम एल में मैच हो जाए, अगर नहीं होता तो कोई मसला नहीं है, बस वो डिस्प्ले नहीं होगा, जो दिखेगा नहीं स्क्रीन पर। अच्छा जी, ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही है, एक ही का दो वेरिएंट आपने देखा अभी। अच्छा, अब ज़रा एक तीसरा वेरिएंट देख लेते हैं हम, इसका नाम है स्पेस। ठीक है, अच्छा ये क्या कह रहा है, टारगेट एनी पैराग्राफ एलिमेंट विथ एन एट्रीब्यूट कॉल्ड क्लास वोज वैल्यू इज अ लिस्ट ऑफ स्पेस सेपरेटेड वर्ड वन ऑफ विच इज डॉग। आपको जैसा कि पता है हम एक एलिमेंट पे एक से ज़्यादा क्लासेस भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट पे हम एक से ज़्यादा क्लास भी अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने इस पे आके ऐसे लगा दिया, तो समथिंग भी लगा दिया, फोर्स भी लगा दिया, दो क्लासेस लगा दी मैंने इस पे, बावजूद इसके कि ये क्लास बनी भी नहीं है लेकिन मैं लगा दे रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, अगर ये क्लास होती, इस पे कोई स्टाइल होता तो अप्लाई होता, अभी ये क्लास मौजूद नहीं है तो कोई एरर भी नहीं है, तो मैंने इस पे दो क्लास लगा दी और इस पे मैंने एक क्लास लगा दी। ठीक है, इस पे एक क्लास लगा दी मैंने। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यार इसको ऐसे उठाओ, एक तो मैंने कहा था ना एग्जैक्टली फोर्स होना चाहिए, अब मैं इसको ये कह सकता हूँ, क्या था इसमें, अलिफ मद्दा था ना, अलिफ मद्दा। अच्छा, ये जो अलिफ मद्दा का जो साइन है इसको क्या कहते हैं, पता है किसी को, इसको इंग्लिश में तो पता नहीं क्या कहते हैं, हाइफन कहते हैं शायद, लेकिन मैथ्स के अंदर ना इसको अप्रोक्सीमेशन का साइन कहते हैं, अप्रोक्सीमेटली कहते हैं इसको। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई पैकेट उठाता हूँ, चाय पत्ती की कोई पैकेट है या कोई पाउडर दूध का पैकेट है, तो उसके ऊपर लिखा होता है ना 100 ग्राम। ठीक है, ऐसे लिखा होता है ना, नेट वेट 100 ग्राम। ठीक है, अगर उसके साथ ये लगा हुआ है ना तो इसका मतलब वो अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम है, और उसके साथ सम टाइम ये प्लस माइनस भी लगा हुआ होता है, प्लस माइनस 10, ये प्लस और माइनस ना एक दूसरे के ऊपर नीचे होता है, यानी ऊपर प्लस होता है नीचे उसके माइनस होता है, इस तरह करके वो बोलते हैं कि 10 ग्राम, कि 10 ग्राम जो है ना प्लस या माइनस हो सकता है, ऐसे करके कि अप्रोक्सीमेटली ये है 100 ग्राम और 10 ग्राम उसमें प्लस या माइनस की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेशन का साइन कहते हैं, इसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, या कहीं पे डेट वगैरह लिखी हो, डेट के साथ ये लिखा हो कि अप्रोक्सीमेटली 10 अप्रैल, तो इसका मतलब है कि मतलब 10 अप्रैल की कुछ आसपास कुछ हुआ है, इस तरह की बात हुई है कुछ। नहीं नहीं ये मैं वैसे ही, हाँ स्क्रीन पे ही ऐसे ही शो होगा, ये बटन होता है आपके इस कीबोर्ड पे, एस्केप के जो नीचे है ना बटन, उस पे ही अलिफ मद्दा बना होता है, इसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आता है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ यहाँ पे, ये कीबोर्ड आ गया हमारे पास, और कीबोर्ड पे ना आप देखें ये एस्केप के बटन के बिल्कुल नीचे ही अलिफ मद्दा का बटन बना हुआ है, एक तो डैश होता है, डैश होता है इधर स्पेस के साथ जो है ना, अंडरस्कोर और डैश, ये दोनों तो इधर है, ये जो बटन है ना ये हाइफन का बटन कह लें इसको, और इसके साथ बैक टिक है, अगर इसको बगैर शिफ्ट के दबाऊंगा मैं तो नीचे वाला ये बैक टिक है, और शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो ये अलिफ मद्दा या हाइफन या जो भी कह लें इसको वो आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमने पढ़ लिया, मैंने कहा भाई फोर्स हो जिसके अंदर ना,
तो उस पर अप्लाई हो जाए। तो फोर्स इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, लेकिन मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कही। मैंने कहा यार फोर्स कहीं दरमियान में कहीं ना कहीं उसके फोर्स मौजूद होना चाहिए। तो अब आप देखें ये दोनों पे अप्लाई हो गया। क्या चीज़ अप्लाई हो गई दोनों पे? ये बॉर्डर, ठीक है। फोर्स लिखा था मैंने, साथ में अप्रॉक्सीमेशन का निशान लगाया, और फोर्स इसमें भी मौजूद था, इसमें भी मौजूद था, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में मैं क्या बोलता हूँ कि यार टारगेट एनी पैराग्राफ एलिमेंट विथ एन एट्रीब्यूट वोज वैल्यू बिगिंस विथ लेटर डी, ऐसा एट्रीब्यूट बता रहा हूँ मैं जिसकी वैल्यू जो है ना शुरू होती हो डी से। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आके इसको मैं रोक देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आके बोलूँ, क्या था इसका वो ऊपर वाला निशान था ना, हाँ, इसको बोलते हैं कैप साइन, ठीक है, ये वाला जो है ना इसको कहते हैं हम कैप साइन। मैंने कैप साइन लगा दिया, और कैप साइन लगा के मैंने क्या बोल दिया, मैंने कहा एफ ओ, ठीक है, एफ ओ लिख दिया मैंने। इसका मतलब क्या है कि वो पैराग्राफ का एलिमेंट जिस पे क्लास का एट्रीब्यूट हो, अच्छा ज़रूरी नहीं है मैं क्लास ही लिखूँ, मैं कोई और भी लिख सकता हूँ, एट्रीब्यूट तो कोई भी हो सकता है ना, मैं आईडी भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, आईडी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी क्लास पे जा रहा हूँ। जिस पे क्लास नाम का एट्रीब्यूट हो और उसकी वैल्यू शुरू हो रही हो एफ ओ से, आगे कुछ भी हो वो डिपेंड नहीं करता, शुरू एफ ओ से हो रही हो, प्रीफिक्स जो है ना उसका एफ ओ, तो ये कौन कौन से पे अप्लाई हो जाएगा? इस पे अप्लाई हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। इस पे होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये एस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये इतना बड़ा पूरा ये मौजूद है जो ये एस से स्टार्ट हो रहा है, तो इस पे अप्लाई नहीं होगा ये। तो अभी जो बॉर्डर बना हुआ आएगा वो सिर्फ इस वाले पे आएगा, नीचे वाले पे, ठीक है, सिर्फ नीचे वाले पे आएगा। अच्छा, इसी तरह पोस्ट फिक्स है, एक तो प्रीफिक्स था ना, इसी तरह पोस्ट फिक्स है, ठीक है, ये रहा सफिक्स कह रहे हैं जिसको, ये कि ख़त्म किस पे हो रहा हो, डॉलर का साइन है ये, ठीक है। टारगेट पैराग्राफ एलिमेंट विच हैज़ एट्रीब्यूट, अच्छा ATTR लिखा है ना, इसका मतलब है कि कोई एट्रीब्यूट का नाम होगा यहाँ। ATTR तो इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है ना, ठीक है, या तो क्लास या तो आईडी, कोई भी जो भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, मैक्स लेंथ, मिन लेंथ, ये सारे एट्रीब्यूट होते हैं ना हमारे, मैक्सिमम मिनिमम, सही है, टाइप नंबर या टाइप सबमिट, ये बहुत सारे एट्रीब्यूट हम पढ़ चुके हैं फॉर्म पढ़ते हुए, इनपुट बॉक्सेस का जहाँ पे जिक्र आया था। तो अच्छा, तो मैंने कहा कि यार यहाँ पे ना आप क्या लगा दो, इसको भी मैं रोक देता हूँ, डॉलर का साइन लिखा मैंने यहाँ। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि ऐसा पैराग्राफ का एलिमेंट जिस पे क्लास नाम का एट्रीब्यूट हो और वो ख़त्म हो रहा हो एफ ओ पे, तो ये इन दोनों में से किसी पे अप्लाई होगा, इस पे या इस पे। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ सी ई लगा दूँ, दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों सी ई पे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। या मैं पूरा फोर्स भी लिख दूँ, ठीक है, पूरा फोर्स लिख दूँ, तो ये भी इस पे भी अप्लाई हो जाएगा, इस पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है मैं चार कैरेक्टर पाँच कैरेक्टर इसलिए लिख दिए, कहीं आपको ये ना लगे कि दो ही कैरेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, इसमें तीन चार पाँच जितने कैरेक्टर भी लिख दूँ मैं, तो अभी तक ये क्या हो जाएगा, दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। देखते हैं, दोनों पे बॉर्डर बना हुआ आ जाना चाहिए, दोनों पे आ गया बॉर्डर बना हुआ। अच्छा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्पेस भी लगा दूँ एक साथ में, अब ये इस पे अप्लाई तो नहीं हो रहा, इस पे हो रहा है स्टिल, क्योंकि इसमें देखो यहाँ से ख़त्म होते हुए स्पेस भी एक बीच में, समझ आ गया। अब ये सिर्फ ऊपर वाले पे हिट होगा, नीचे वाले पे नहीं होगा, ठीक है। मैं मज़ीद भी लिख सकता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं जी लिख दूँ यहाँ पे, तो ये अभी भी क्या हो गया है, आप देखें, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो वो नीचे VS कोड मुझे शो कर रहा है कि नीचे ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही मैच हो रहा है। तो मैं जी फोर्स भी लिख दूँ अगर ना, तो ये समथिंग और फोर्स या इसका जो है ना सफिक्स जो है मैच कर रहा है इसे, तो ये स्टिल ऊपर वाले पे ये अप्लाई होता रहेगा, ऊपर वाले पे बॉर्डर स्टिल, ये देखें मैंने रिफ्रेश किया, बॉर्डर बना हुआ आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो हो गया प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। अब एक हमारे पास मौजूद है सब स्ट्रिंग, जिसका काम क्या है कि दरमियान में कहीं पे भी वो चीज़ आ जाए ना, तो उसको वो मैच करेगा। उसके लिए क्या यहाँ पे मौजूद है, स्टेरिक, एट्रीब्यूट का नाम स्टेरिक, और उसके बाद ये आप लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, स्टेरिक, ठीक है, और स्टेरिक लिख के जो है ना, अब मैं लिखूँगा एफ ओ आर,
स्टेरिक का काम क्या है अगेन, यहाँ पे ये जो जिक्र किया है इन्होंने, टारगेट एनी पैराग्राफ एलिमेंट विथ एन एट्रीब्यूट वोज वैल्यू कंटेन लेटर डी ओ के, मिसाल के तौर पे ए टी टी आर यहाँ पे लिखा है इन्होंने, लेकिन यहाँ क्लास या आई डी या किसी एट्रीब्यूट का नाम होगा, एट्रीब्यूट का नाम स्टेरिक लगा के इन्होंने लिखा डी ओ, तो अब उसकी वैल्यू में ना कहीं पे भी डी ओ आ जाएगा ना, मैच कर जाएगा, ठीक है। तो हमारे केस में अगर मैं लिख देता हूँ इस पर एफ ओ आर, तो एफ ओ आर जो वो दोनों में, इन दोनों में कहीं ना कहीं हल्का फुल्का मैच हो रहा है, ठीक है। या मैं यहाँ पे लिख दूँ ओ आर सिर्फ, ठीक है, एफ ओ आर भी नहीं, सिर्फ ओ आर लिख दूँ मैं, तो ये ओ आर दोनों में थोड़ा थोड़ा सा मौजूद है, तो ये दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, दोनों पे अप्लाई हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कोई थिंग, तो ये थिंग जो है वो किस पे अप्लाई हो रहा है, सिर्फ ये सिर्फ पहले वाले पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि पहले वाले में सब स्ट्रिंग मौजूद है, ये समथिंग लिखा था उसमें थिंग आता है, दूसरे वाले पे ये अप्लाई अब नहीं होगा, सिर्फ ये ऊपर वाले पे होगा, सही है। तो हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स और सब स्ट्रिंग। एक लेटर भी लगा दो, जी लगा दो, जी दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा, एक में ही आ रहा है, सही है, जी जहाँ जहाँ पे आ रहा होगा वहाँ वहाँ ही अप्लाई हो जाएगा, लेकिन क्लास का ही होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई एक और पैराग्राफ है उस पर यहाँ पे आईडी लगी हुई है ना, सही है, अगर यहाँ पे आईडी लगी हुई है जॉनरे, तो इसमें भी तो जी आ रहा है, लेकिन ये आईडी इक्वल्स टू है, यहाँ मैंने बोला क्लास इक्वल्स टू, तो ये इस वाले जी पे अप्लाई नहीं होगा, ये क्लास के अंदर ही जिसमें वैल्यू में जी आ रहा होगा ना उस पर अप्लाई होगा, समझिए बात, ये जवाब तो दो, समझ गए कि नहीं समझ गए, जो सवाल पूछता है उसको कम से कम उसका ये तो बनता है ना कि हाँ सर समझ आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर भी जी आ रहा है लेकिन ये इस पर अप्लाई नहीं होगा, अगर मैं इसको आईडी हटा के मैं क्लास कर दूँ, अब इस पर ये अप्लाई होने लग जाएगा, ठीक है। या मैं आईडी हटा के क्लास ना करूँ, इसको आईडी ही रहने दूँ, आईडी ही रहने दूँ, मैं यहाँ पे बोलूँ कि यार मुझे आईडी वाले पे मैं कर दूँ, यार आईडी जो एट्रीब्यूट है और उसके अंदर कहीं पे भी जी कंटेन करता हो, तो अब ये नीचे वाले पे अप्लाई होगा, ये इस वाले पे अप्लाई अब नहीं होगा, ऊपर वाले पे, अब सिर्फ नीचे वाले पे होगा ये, ठीक है, नीचे वाले पे होगा। तो इस पॉइंट पे आके हमारा जो ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर था ना, ये कंप्लीट हो गया, और ये हमारा चैप्टर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, सही है, मुश्किल तो नहीं है, आसान था। अच्छा, ये इसकी समरी है, इसको कोशिश कीजिएगा कि पढ़ लें। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जी यू कैन यूज सूडो क्लासेस टू चेंज द स्टाइल ऑफ एन एलिमेंट व्हेन अ यूज़र होवर्स और क्लिक ऑन अ टेक्स्ट और व्हेन दे हैव विजिटेड अ लिंक, कह रहा है ये सूडो क्लास के इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लिंक जब हम क्लिक करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, विजिटेड शो होता है वो, तो उस विजिटेड में बाई डिफ़ॉल्ट पर्पल होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार कुछ और कलर हो जाए, तो मैं सूडो क्लासेस के ज़रिए उसको कंट्रोल कर सकता हूँ।